माँ भारती को नमन करते हुए मैं विनीत कुमार सक्सेस सारथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.1 को कंटिन्यू करेंगे, जिसका क्वेश्चन दूसरा, तीसरा और चौथा तीन क्वेश्चन है, और इन्हीं तीन प्रश्नों के साथ आपकी प्रश्नावली 1.1 समाप्त होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? सबसे पहला तो जवाब है हाँ। अगला देखिए, क्या आप इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं? जवाब है हाँ। अगला देखिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट जीरो, यानी जब हम संख्याओं को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखते हैं तब वहां पर यह बताना होता है कि क्यू इज नॉट जीरो ही हो, इस बात का ध्यान रखा जाता है। Q is not zero, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कोई ना कोई संख्या होनी चाहिए। जीरो से बड़ी भी हो सकती है, जीरो से छोटी भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है। तो जवाब इसका यही है आंसर हाँ। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, शून्य एक परिमेय संख्या है जिसे P बटा Q के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है। P बटा Q के रूप में इस प्रकार लिखा जा सकता है, इस प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है देख लीजिए, जीरो अपान वन भी हो सकता है, जीरो अपान टू भी हो सकता है, जीरो अपान थ्री भी हो सकता है, जीरो अपान फोर भी हो सकता है, जीरो अपान हंड्रेड भी हो सकता है, डॉट 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 एंड सो ऑन। हम देख रहे हैं जहां क्यू का मान जीरो नहीं है, जीरो को अगर एक जगह बांटेंगे तब भी जीरो ही मिलेगा, दो लोगों में जीरो को वितरित करेंगे जीरो ही आएगा, तीन लोगों में बांटेंगे उनको भी जीरो जीरो मिलेगा, और अगर हजार लोगों में बांटेंगे तो सबको जीरो जीरो मिलेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य को पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, और हमारी जो शून्य है ये एक परिमेय संख्या है। और किस प्रकार लिखा जा सकता है आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है थ्री, कि तीन बटा पांच तथा चार बटा पांच के मध्य पांच परिमेय संख्याएं लिखिए। कितनी संख्याएं पूछ रहा है? पांच। तो परिमेय संख्याओं को लिखने का, मध्य की परिमेय संख्याओं को लिखने का एक फार्मूला होता है, उस विधि से भी हम कर सकते हैं, और दूसरा एक मेथड होता है उस विधि से भी हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपको हम एक जानकारी यहां पर दे दें कि कोई भी दो संख्याएं जो होती हैं उनके मध्य की परिमेय संख्याएं अनंत हो सकती हैं, कोई भी दो संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्याएं असंख्य हो सकती हैं, इसलिए यह आवश्यक नहीं है कि जो परिमेय संख्या निकाली जा रही है वही आपकी बुक में आंसर से मैच कर रही हो। इसलिए हम आपको पहले इसकी जानकारी दे रहे हैं ताकि पता चले जब आप आंसर से मिलाए तो कहें कि सर का तो आंसर मिल ही नहीं रहा है। तो इसलिए ये जान लीजिए कि दो संख्याओं के बीच अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। इसका उदाहरण यही है कि अगर हम एक परिमेय संख्या ले लें एक बटा दो, दूसरी परिमेय संख्या ले लें एक बटा दो, फिर इन दोनों के बीच निकाला जाए परिमेय संख्या तो निकलेगी, फिर उन दोनों के बीच की परिमेय, जैसे ये है आपसे पूछा जाए इसके और इसके बीच बीच कितने मध्य बिंदु हैं, तो एक तो ये बिंदु हो सकता है, कितने बिंदु हैं या कितनी संख्याएं हैं इसके बीच, यहाँ भी संख्या हो सकती है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस प्रकार इन दोनों बिंदुओं के बीच अनेक संख्याएं हैं, असंख्य संख्याएं हैं। ठीक उसी प्रकार कहा गया है तीन बटा पांच था चार बटा पांच के मध्य परिमेय संख्याएं लिखिए। तो इसका हम आपके लिए एक फार्मूला लिख रहे हैं और उसका यूज भी करके हम बताएंगे। तो फार्मूला यही है, मध्य की परिमेय संख्याएं, मध्य की परिमेय संख्या बराबर a प्लस b बटा 2।
जहां ए तथा और बी क्या है आपकी दी गई परिमेय संख्याएं। या हम लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी। इसका एक दूसरा भी मेथड है, जब माध्य की 5 परिमेय संख्या जितनी परिमेय संख्या कहे उससे एक अधिक, यानी 5+1 हम लिख सकते हैं, चूंकि चूंकि 3/3 सोल्यूशन इसका देख रहे हैं, चूंकि 3/5 तथा 4/5 के मध्य 5 परिमेय संख्या निकालनी है, 5 परिमेय संख्याएं निकालना है, संख्याएं निकालना है, इसलिए या यह लिख दीजिए, इसलिए हम 5+1=6 से अंश तथा हर में गुणा करेंगे, अंश तथा हर में गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/5 × 6 × 6 4/5 × 6 × 6 क्या होगा, हमारे संख्याएं निकल के आएंगी 18/30 × 24/30। तो हम इन दोनों के बीच की संख्याएं लिख सकते हैं 18/30 तथा 24/30 के बीच की परिमेय संख्याएं कौन कौन सी आपकी हो सकती हैं, बीच की परिमेय संख्याएं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30, इस प्रकार से हम 24/30 को छोड़ करके लिख सकते हैं। तो 18/30 लिखिए, बीच की परिमेय संख्या लिखिए, इसका आंसर हम यहां नोट कर दे रहे हैं, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस प्रकार से हमने 5 संख्याएं ज्ञात कर ली हैं बीच की, 1, 2, 3, 4 और 5, यही हमारी 5 परिमेय संख्याएं हैं, बीच की परिमेय संख्याएं इस प्रकार से 5 को हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लीजिए और उसके बाद हम अगला प्रश्न हल करवाने जा रहे हैं कि 3 तथा 4 के मध्य 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसको देखते हैं कैसे हल होता है। इसका आंसर हमने निकाल लिया है, चाहे तो यहां हम लिख दे रहे हैं 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 5 परिमेय संख्या हमने मध्य की ज्ञात कर ली है। आपकी बुक में जो आंसर आ रहा होगा उसको भी हम बता दें ताकि आपको परेशानी ना हो कि सर ने आंसर नहीं मैच करवाया। उन्होंने क्या किया है, 3/5 तथा 4/5 में 10 से गुणा करा लिया है। बुक में आपकी क्या किया गया है कि 3/5 तथा 4/5 में 10 से अंश तथा हर में, अंश तथा हर में गुणा कराया गया है। तो वहां उन्होंने लिखा है 30/50 और 40/50 के बीच की संख्याएं कैसे, उन्होंने लिख दिए 5 संख्याएं के बीच की 5 संख्याएं लिख लीजिए, 5 संख्याएं कैसे उन्होंने लिखा है, 30/50 था,
इकतीस बटे पचास, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, इस प्रकार से पांच क्या जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। हमने फिलहाल पांच पूछ रहा था तो पांच याद कर दी। अगर बुक से आंसर मैच करवाना है तो इसे भी आप समझ सकते हैं, और उससे पहले जो हमने संख्या निकाली थी वो भी आपकी ट्रूथ है, वो भी आपकी सत्य है, उन्हें भी आप लिख सकते हैं। और बुक से आंसर मैच करवाना है तो इस प्रोसीजर को अपनाइए, ऐसे करके भी निकाल सकते हैं। खैर, हम लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा क्वेश्चन जो हमारा है। इस प्रश्न को हल करेंगे, वही मेथड अपनाएंगे, तीन तथा चार के मध्य की 56वीं संख्या निकालनी है, तो जितनी निकालनी है उससे एक अधिक से संख्या के अंश तथा हर में गुणा करा के हम संख्या निकाल लेते हैं। तो हम लिख सकते हैं तीन तथा चार में 6+1=7, ब्रैकेट में ऐसे रखेंगे, में 6+1=7, 6+1 अर्थात लिखिए, सात से अंश व हर में गुणा करने पर, अंश व हर में गुणा करने पर, हम उस बात को नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हमको छा पर में संख्या निकालनी है, तो इसलिए हम छा के एक से अधिक यानी सात से अंश तथा हर में गुणा करेंगे, बल्कि हम यही सीधे लिख रहे हैं तीन प्लस तथा चार में 6+1 अर्थात सात से अंश व हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर। गुणा करेंगे तो क्या होगा, तीन था और उसमें गुणा करेंगे, छा प्रमेय संख्या निकालनी उसके एक से एक अधिक से, यानी कि सीधे सीधे हम 6+1 ना लिख के सात लिख सकते हैं, और हर में कितना था एक, वहां भी क्या हो जाएगा सात, और क्या लिख सकते हैं चार था और हर में एक था, ऊपर भी सात और नीचे भी सात, तब हमको संख्या मिलेंगी 21/7 तथा 28/7 के बीच, सात के बीच की 6 परिमेय संख्या कितनी, 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं 6 बीच की परिमेय संख्याएं, तो हो सकती हैं 21/7 था 22/7 कर लीजिए, 23/7 कर लीजिए, 24/7 कर लीजिए, 25/7 कर लीजिए, 26/7 कर लीजिए, कितनी निकाली हमने 1, 2, 3, 4, 5, एक और निकाल लीजिए 27/7 कर लीजिए। इस प्रकार हमने 6 परिमेय संख्या प्राप्त कर ली तीन तथा चार के बीच की। तो हमें उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप इस में कहीं कुछ समझ नहीं आता है तो कमेंट करिए और आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। इससे पहले हम बता दें कि आप इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, कम से कम 2 से 3 बार देखिए, और फिर ये कॉन्सेप्ट एकदम आपके दिमाग में बैठ जाएंगे और आप चाह कर जीवन में कभी भी इन सवालों को भुला नहीं सकेंगे। थैंक यू सो मच।